अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेजबान औसाफ अली खान। लाहौर के तमाम बस अड्डे बंद करवा दिए गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबू साबू के करीब नियाजी बस अड्डा स्टॉप और मुख्तलिफ यहाँ पे जो बस स्टैंड है, तमाम के तमाम बस अड्डे यहाँ पे बंद करवा दिए गए। जैसा कि अगर मेरा कैमरा मैन आपको पहले दिखा सके तो यहाँ पे पुलिस की बाहर नफरी तैनात कर दी गई है। तमाम बस अड्डों के बाहर पुलिस की नफरी तैनात है, बस अड्डे बंद करवा दिए गए। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, मुसाफिर ख्वार होकर रह गए हैं, परेशान होकर रह गए हैं। मैंने अभी सबसे पहले आपको सबसे अहम बात बताऊं कि एम्बुलेंसेस आई वो दिखाई के जो मरीज इंतकाल करके और अपने आबाई शहरों में दफन होना चाहते हैं उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो पा रही। जो मरीज बारात लेके जो शहरी बारात लेके जा रहे हैं, जिसकी शादी है किसी की, वो शादियां कैंसिल हो गया क्योंकि लाहौर को चारों अतराफ से सील कर दिया गया। लाहौर में बाबू साबू मोटरवे टूल प्लाजा फिल वक्त बंद है, लाहौर में सिटी रोड बंद है, लाहौर में रिंग रोड बंद है और लाहौर के जो तमाम आने जाने वाले दाखिली और खारजी रास्ते हैं, ख्वाह वो शाहदरा जीटी रोड वाली साइड हो, इमामिया कलोनी बरकत कलोनी वाली साइड हो, ख्वाह वो बाबू साबू टूल प्लाजा वाली साइड हो, चाहे वो जो ठोकर वाली साइड हो या गज्जू मता कसूर वाली साइड हो या लाहौर के जितने अतराफ से लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं, तमाम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तमाम ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है कि तमाम किस्म की गाड़ियां टूल प्लाजा से मोटरवे से नहीं जा सकती, जीटी रोड से नहीं जा सकती। मुसाफिर कितने परेशान है, क्या सूरत हाल है, पहले थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ जाना था और कहाँ आना था और क्यों परेशान? हमारे साथ मरीज है, सरगोधा जाना था, सुबह के चक्कर काट रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, सरगोधा जा रहे, उधर गए मोटरवे, इधर सब घूम रहे हैं, जो लारी अड्डे गए हैं, कहीं भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला। सरगोधा क्यों बंद की गई है, क्या वजह? वो बस कोई कहते हैं जलसे की वजह, कोई कहते हैं हड़ताल है, कोई सही बता नहीं रहा। बाकी जैसा कि आप देख सकते हैं मुसाफिर अपने सामान के साथ खड़े हैं, कहाँ जाना भाई, कहाँ आना और क्यों परेशान है? मेरा गाजी खान जाना है, कल से आए हुए हैं, कोई सवारी नहीं मिल रही, ना कोई चीज मिल रही है, ना कुछ, हम इधर इंतजार में खड़े हुए हैं, ना कोई हॉस्टल दे। लारी अड्डे गए हैं? लारी अड्डे भी गए हैं, कहीं से नहीं मिल रही कोई सवारी, कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई चीज भी नहीं मिल रही। अच्छा, जो गाड़ियाँ कोई एक आधी कोई बस नजर भी आ जाती है तो उससे बस से मुसाफिरों को उतरवा दिया जाता है, बस खाली करवा दिया जाती है, फिर भजन धोखा दे रहे हैं, ठोकर भेज रहे हैं, वहां भी सवारी नहीं मिल रही, रास्ते में उतार लेते हैं, परेशान कर रहे हैं बस, और कुछ हाल ही नहीं है। हम खड़े हुए हैं सुबह से 9 बजे से आए, हम जामपुर से, जामपुर से आए, जामपुर से हैं यहाँ पे, तो वापसी जा रहे हैं जामपुर, कोई गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं मिल रही, रात को टिकट दे तो ये कल भी बंद होगा, आज भी बंद है, तो यहाँ पे रहने का कोई बंदोबस्त है? रहने का भी देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है सिस्टम, रहने का भी नहीं है, होटल लेंगे और क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बराती दूसरे शहरों में बारात लेके जा रहे हैं या जो बराते दूसरे शहरों से लाहौर आ रही है वो भी तंग होकर रह गए, क्योंकि मेरी कई एक दो बंदों से मुलाकात हुई जो इस हवाले से मिन्नत समाजत करते नजर आए पुलिस वालों के, जी कि बारात वाला मामला जाने दे, मेहरबानी करें। कोई बंदे नजर आए, एम्बुलेंस नजर आई, जिनका कहना था कि मरीज है, हमने लाहौर लेके जाना, तो वो लाहौर नहीं आ पा रहे क्योंकि लाहौर को सील कर दिया गया, लाहौर को कटन ऑफ कर दिया गया। और कई बंदे ऐसे भी नजर आए कि जिनकी मरीज की जो इंतकाल करके उन्होंने अपने आबाई शहर तदफीन के लिए लेके जाना था, तो वो भी मिन्नत समाजत पुलिस की करते नजर आए कि जी हमें जाने दिए, कंटेनर हटा दे, कोई क्योंकि टूल प्लाजा बंद है और मोटरवे बंद है, जीटी रोड बंद है, रिंग रोड बंद है, तमाम रोड बंद है, तमाम दाखिल और खारजी रास्ते बंद है, तो शहरी परेशान होकर रह गए। फिर अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो जो हॉस्टल बंद किए गए हैं, जो जराये का कहना है कि तमाम जो मामला चल रहे हैं, हॉस्टल जो बंद किए गए हैं, वो स्टूडेंट हवार होते नजर आए यहाँ पे। अगर आप देख सके तो मैं अकेला नहीं खड़ा हुआ यहाँ पे, आपको मुसाफिरों का एक हजूम नजर आ रहा है, मुसाफिरों का एक जमे कभी नजर आ रहा है। और ये सो ऑन यही सिलसिला सिर्फ ये एक बस अड्डा नहीं है, थोड़ा सा आपको आगे साथ लेके चलते हैं और आगे आपको माहौल दिखाते हैं कि लाहौर के तमाम बस अड्डे बंद करवा दिए गए। और बस अड्डे बंद कैसे करवाए जाते हैं कि एक पुलिस की बड़ी बस आती है और अगर कोई खड़ा हुआ कोई नजर आ रहा है तो फिर बस अड्डा बंद करवा दिया जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि पुलिस की भारी नफरी इस बस अड्डे के बाहर भी तैनात है और इसी तरह सौ ड्यूटियां लगाई गई है मुख्तलिफ बस अड्डों के बाहर। ये अगर ये थोड़ा सा पहले एक ये बस अड्डा था, अब दूसरा आगे आते हैं तो ये भी बस अड्डा बंद है और ये जो बंद करवा रहे हैं वो भाईजान भी आ गए, वो देखिए पीछे खड़े हुए हैं। तो जी सर, बस अड्डे बंद हैं? जी सर। हाँ जी। कब करवाया उन्होंने? कल रात 6 बजे से। कल रात 6 बजे से बंद करवा दिया गया जी। ये देखिए जी, ये भी थोड़ी सी जो जगह थी उन्होंने कहा मीडिया वाले अंदर ना आ जाए, उन्होंने ये बस अड्डा भी बंद करवा दिया। सोन लाहौर का ये जो इलाका है जो जिसे नियाजी अड्डा कहा जाता है, जो बड़ा मशहूर है अपनी मिसाल आप है, पूरे पाकिस्तान भर से लोग इस अड्डे का रुख करते हैं क्योंकि लाहौर की सारी ट्रैफिक जो लाहौर से मोटरवे पे चढ़ती है वो इस बाबू साबू टूल प्लाजे से चढ़ती है और जो इस्लामाबाद को जाती है, पेशावर को जाती है, सो ऑन जो जहाँ पे भी जाती है मोटरवे के लिए तो वो यहाँ से जाती है। तो यहाँ पे तमाम बस अड्डे बनाए गए हैं यहाँ पे, सो ऑन 1-2-3 यहाँ पे दर्जनों बस अड्डे हैं और तमाम के तमाम बस अड्डे
बंद करवा दिए गए हैं और बाहर पुलिस की नफरी तैनात करवा दी गई है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। उसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, जैसा कि हमने चंद मुसाफिरों से बात भी की, कई मरीजों को बड़ा मामला तंग है, कई शादियों वाले बड़े तंग हो चुके हैं, और जो दूसरे शहरों से कारोबारी अफराद आए हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है कि जिन्होंने शालमी मार्केट, बदामी बाग मार्केट और मुख्तलिफ जो लाहौर की बड़ी मार्केटें हैं, पूरी मंडी समेत जहाँ से शॉपिंग करनी होती है, वहां से उन्होंने अपना सामान खरीदा और अब अपने इलाकों को वापस जाना था, तो वो सामान समेत यहाँ पे फंस के रह गया क्योंकि लाहौर तो बंद करवा दिया गया। और लाहौर के चारों अतराफ पे जो माहौल है वो तो आपको बताया कि लाहौर चारों अतराफ से फिलहाल बंद है, लेकिन लाहौर में जो ट्रांसपोर्ट है, जो मेन है, जो लाहौर से शहरी सफर करते हैं पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, उनके लिए सफर किस कदर अजीरन कर दिया गया है, उनकी क्या सूरत हाल है, तो ये आपके बताइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस अड्डे तो बंद है, बस अड्डों के बाहर आपको मुसाफिर नजर आएंगे या आपको पुलिस वाले नजर आएंगे। ये थोड़े से मुसाफिर आ रहे हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ जाना है, कहाँ आना और कहाँ? हम सरगोधे वाले। सरगोधे से शाहपुर सदर जाना है। शाहपुर सदर जाना हमने। अभी तो दो दिन कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई पैसे है, कोई बंदोबस्त है, कहाँ रहना है? सब कुछ है। अच्छा, कितनी मुश्किलात का सामना ये सारे? तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्या करेंगे। चले जी, चले। हाँ, वैसे पीटीआई वाले हैं, मुश्किलात को नहीं जा, जलसे पे जा रहे हैं पीटीआई वाले पे। अच्छा, हाँ जी, इंशाल्लाह। तो बंद किया गया? हाँ, नहीं को नहीं, फिर भी हम जाएंगे, हम पैदल जाना पड़ा। पीटीआई लव यू। चले जी, चले जी, ये भी अपने जज्बात है क्योंकि 24 नवम्बर को फाइनल कॉल दी थी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने, की तमाम पाकिस्तानी, तमाम दुनिया भर से इमरान खान के जाने वाले वाहिद एहतजाज है जो मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में भी होगा, मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में 38 कंट्रीज की बात की गई है। तो ये मामला था कि जी पाकिस्तान के तहरीके साहब के बानी चेयरमैन इमरान खान ने जब कॉल दी थी, फाइनल कॉल की, उसके बाद से सारे ये मामला थे क्योंकि उन्होंने एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में दी थी। और ये सारे क्या मामला थे, तमाम बस अड्डे बंद करवा दिए गए, लाहौर को चारों तरफ से सील कर दिया गया है, तमाम सूरत हाल से आपको आगाह किया। इसी के साथ अपने मेजबान औसाफ अली खान को शहजे पट्टी के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।